ऑल राइट, सो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करने वाला हूँ, दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे आज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज़ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. राइट, इसके अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, एक डंबल का. तो देखिए, ये आपके पास एक डंबल है जो जिम के अंदर होता है, और ये डंबल है आपका. राइट, और आपको जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट यू हैव टू फाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. देखिए, ये आपका जो एक्सिस है यहाँ पे है. राइट, ये आपका एक्सिस है. दीज आर टू स्फीयर्स, ये स्फीयर है, ये भी आपका स्फीयर है. और आपको मालूम होगा कि ये वाला पार्ट एक्चुअली डंबल का, इसका भी मास होता है, लेकिन हमारे केस के अंदर हमने इसका कोई मास नहीं लिया और हम इसको मासलेस मान के चल रहे हैं. सो जो जॉइनिंग रॉड है, एक्चुअली वो रॉड है, आप उसका भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट सेंटर, बट फिलहाल मैंने उसको ज़ीरो रखा है, और इसको मैंने मास एम का रखा है और इसको मास एम का रखा है. इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है. तो आपको मालूम है कि ये वाली क्वांटिटी मासलेस है. राइट, इसका भी हम ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझना है, इसलिए हमने इसको मासलेस समझ लिया. आइए अब देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा. देखिए, ये जो स्फीयर है, राइट, ये आपका जो स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, राइट, ये जो होता है इसका सेंट्रल एक्सिस 3D स्पेस के अंदर, ये आपका 3D बना दिया मैंने, इट इज़ 2/5 mr². लेकिन आपका जो एक्सिस, जिस एक्सिस को मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे है, लेकिन आपको डम्बल जो, ये डम्बल है आपका, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्जिया इस एक्सिस के अराउंड. तो ये एक्सिस इधर से मान लीजिए, इट इज़ यू नो लेंथ इज़, टोटल लेंथ इज़ एल, L/2 है. तो आपका जो पैरेलल एक्सिस, ये बोलता है कि अगर आपको एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, मैंने ये मालूम है, लेकिन अगर एक्सिस, अब नया एक्सिस उससे थोड़ी दूर ले लें, राइट, अब मैं पैरेलल एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए डिस्टेंस एक्स है, तो द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है, राइट, सेंटर ऑफ मास प्लस द एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ गिवन बाय द मास मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सिस टू द न्यू एक्सिस. तो ये हमारा नया एक्सिस है, राइट, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, राइट, सेंटर ऑफ मास एक्सिस. तो सेंटर ऑफ मास के लिए तो आपने सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया जो आपको याद होगा, आपको टेबल याद करके जाना है सारे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है m(x²). राइट, तो इसका अब आप देखिए, अगर अब मैं इसको डालता हूँ तो 2/5 mr² प्लस m L/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस ml²/4 i. ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका. तो अपने ही एक्सिस के अराउंड भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो ये वाला होता है, राइट, तो कोई भी फिगर हो, और प्लस एक्स्ट्रा उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, उस बॉडी का मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू एक्सिस. ये आपका न्यू एक्सिस हो गया जो शिफ्ट हो गया पैरेलली. तो ये एक्सिस पैरेलल में है, देखिए ये एक्सिस और ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस पैरेलल में, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और आप देखिए कि इसका एक फॉर्मूला ये आ गया डंबल नंबर वन का. डंबल नंबर टू जो है उसका आया 2/5 mr² प्लस ml² / 4, सेम ही आएगा इसका भी, लेकिन आपने इस साइड L/2 रखा है. और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 + I2 इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस
ml square by 4 plus 2 by 5 mr square plus ml square by 4 is equal to 4 by 5 mr square plus ml square by 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए और नीट के लिए. बहुत सारे रोटेशन के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल के अंदर सेंटर ऑफ मास की जगह कहीं और लेना होता है. तो उन न्यूमेरिकल्स के अंदर जब भी आप सॉल्व करेंगे, जैसे टॉर्क निकालेंगे या क्वांटिटीज निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम राइट टिपिकल जो होते हैं, या आप काइनेटिक एनर्जी या उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो जब वहाँ पे आई होगा यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द आई. हो सकता है कि वो आई डायरेक्टली एक्सिस के थ्रू ना लेना हो, बल्कि आपको वो वाला आई लेना हो जो थ्रू द न्यू एक्सिस पास होता है, राइट थ्रू द न्यू एक्सिस. तो न्यू एक्सिस और पुराने एक्सिस अगर आपस में पैरेलल हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल हैं राइट, ये और ये और ये सब पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है. इसी तरह से आप एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसकी भी प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे आप कर पाएँ यू नो इन क्वेश्चंस को जहाँ पे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया. मेरे चैनल पे करीब 1700 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं. तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे जो आपको सामने सॉल्व नज़र आएगा, लेकिन आपको रीजनिंग नहीं मालूम होगी कि क्यों वैसा हुआ. मैं अपने चैनल पर जो क्वेश्चन करता हूँ उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ. मैंने मैं कॉन्सेप्ट भी लगाता हूँ और जो लॉ होता है वो भी लगाता हूँ और पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूँ. सिर्फ लिखना नहीं शुरू कर देता कि इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, लेकिन रीजनिंग के साथ करना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे ही आपको पढ़ना है, आपको जो न्यूमेरिकल है उसको अंधाधुंध नहीं करना है. आपको पता होना चाहिए आप कौन सा रूल लगा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, वो सिनेरियो पे क्यों लागू होता है. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया. मेरे अगले वीडियो की वेट करिए जो शीघ्र ही मैं लाऊंगा, और अपनी तैयारी जारी रखिए. बिल्कुल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, और डिसिप्लिन और परसिवरेंस, लगातार पढ़ते जाइए, छोड़िए मत. कम से कम NCERT पूरी करके जाइए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जो JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो NCERT और कम से कम आधी NCERT एग्जाम्पलर पूरी करके जाएं. जब मैं पढ़ाता हूं तो ये दोनों कंप्लीट बेयर मिनिमम में करवाता ही करवाता हूं. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टफ है NCERT पढ़ने में, काफ़ी बोरिंग है, और लेकिन बहुत अच्छा समझाया गया NCERT के अंदर. तो NCERT को इस तैयारी में बिल्कुल ना छोड़ें. सो थैंक यू वेरी मच, एंड दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ.